बात 2008 की है जब मैंने गाड़ी चलाने की ठानी। श्री गाड़ी आ रही है डा। अच्छा तेरे जूते तो किड सेक्शन में मिलते हैं, इतनी आसानी से तेरी हाइट की गाड़ी मिल जाएगी क्या? थैंक यू डा। थैंक यू किस लिए? टांग खींचने के लिए, शायद इससे मेरी हाइट लंबी हो जाए। सर गाड़ी में बैठ के तो देखिए सर। बैठ के देखो। सेंडर अडे, मैं लंबा हो गया श्री। हाँ मतलब सामने का सब साफ साफ दिख रहा है और क्लच पर पैर भी पहुंच रहे। सुपर मजा लगती थी पर बात थी बड़ी, अरे अपने हाथ में भी तो थी जादू की छड़ी। छोटी छोटी लगती थी पर बात थी बड़ी, अरे अपने हाथ में भी तो थी जादू की छड़ी। पर मचा छड़ी का चक्कर ऐसा घुमा हुआ बेड़पा, देखो कैसे बना। 1.5 years सिटी ड्राइविंग के बाद हाईवे पे ड्राइव करने का कॉन्फिडेंस जुटा पाया और पहुंच गया चेन्नई से कोच्चि 700 किलोमीटर ड्राइव करके अम्मा और श्रीकांत के साथ। आओ अम्मा। इतने अच्छे ड्राइव के बाद एक फिल्टर कॉफी तो बनता है क्यों? आंटी आप टायर्ड नहीं हुए? भाई लाइफ का ड्राइव हो या कार का ड्राइव हो, कंपनी अगर एंजॉयबल है तो डिस्टेंस का पता नहीं चलता है। आंटी गाड़ी चलाने के साथ साथ ये बातें भी अच्छे करने लग गए। ये थी चेन्नई के मधु की कहानी, जिनकी शॉर्ट हाइट ने उनका कॉन्फिडेंस घटाया पर टॉल बॉय सेंट्रो की वजह से उनका समाज में कद बढ़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लॉग ऑन कीजिए brilliantmoments.in पर और इनके लिए वोट कीजिए। वैसे ही 20 सालों से आपकी यादों का रिश्ता रहा है हुंडई के साथ। इस सफर में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।